नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मावर्ड्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक प्रकार के एंटीबायोटिक की जो कि कॉमनली यूज किया जाता है। दोस्तों, ये है डॉक्सीसाइक्लिन। तो इस वीडियो में हम लोग डॉक्सीसाइक्लिन के बारे में बहुत सारी बातें देखेंगे। ये मेडिसिन क्या होती है, इसके ब्रांड क्या होते हैं, यूजेस कहाँ पे होते हैं और इसके कुछ साइड इफेक्ट, इसकी डोज क्या होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे डॉक्सीसाइक्लिन की, तो डॉक्सीसाइक्लिन एक्चुअली ये इसकी जो स्ट्रेंथ आती है वो 50 mg, 100 mg एंड 200 mg आती है। और ये मार्केट में टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, इंजेक्शन सब में उपलब्ध होता है। और हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं टैबलेट एंड कैप्सूल्स के बारे में। दोस्तों, अगर हम बात करें डॉक्सीसाइक्लिन की, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डॉक्सीसाइक्लिन एक प्रकार का ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि टेट्रासाइक्लिन ग्रुप का होता है। और इसका अगर एक्शन देखा जाए तो ये एंटी माइक्रोबियल एक्शन शो करता है। कहने का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि आपके बॉडी के अंदर जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने वाला है, जो माइक्रोबियल इन्फेक्शन होने वाला है, उन सब जगह पर हम इसको यूज कर सकते हैं। कभी कभी हम लोग इसको इन्फ्लामेशन में भी यूज़ करते हैं उसको ट्रीट करने के लिए। वैसे अगर हम देखें कि मार्केट में ये कैसे आता है, तो या तो ये डॉक्सीसाइक्लिन प्लेन आता है या फिर ये कई कम्बिनेशन में भी आता है। जैसे एक कम्बिनेशन इसका होता है डॉक्सीसाइक्लिन प्लस लैक्टिक एसिड कम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो एक्चुअली लैक्टिक एसिड बैसिलस कम्बिनेशन आता है। तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअली यहाँ पे अगर बात करें कि भैया डॉक्सीसाइक्लिन का कम्बिनेशन ज़्यादा यूज किया जाता है या डॉक्सीसाइक्लिन ज़्यादा यूज किया जाता है, तो डॉक्सीसाइक्लिन प्लेन ज़्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। देखिए, होता क्या है कि डॉक्सीसाइक्लिन का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होता है कि ये डायरिया काज करता है अगर थोड़ा सा मात्रा ज़्यादा ले ली गई तो, या फिर नॉर्मली हर व्यक्ति को कर देता है। तो इसलिए इसका बहुत सारी कंपनियां क्या करती हैं, इसमें लैक्टिक एसिड बैसिलस डायरेक्टली डाल के देती हैं ताकि जो है आपको डायरिया की शिकायत ना हो। अभी हम लोग बात कर लेते हैं यूजेस की कि आखिर इसका यूज कहाँ होता है और क्यों किया जाता है। देखिए, अक्सर हम लोग पेनिसिलिन का यूज करते हैं, पेनिसिलिन लाइक एमोक्सिसिलिन इत्यादि जो है, जो एंटीबायोटिक्स आते हैं उसका। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ व्यक्ति पेनिसिलिन से एलर्जिक होते हैं या फिर पेनिसिलिन लेते लेते उसमें रेजिस्टेंस काज हो जाता है, तब हम लोग डॉक्सीसाइक्लिन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ अगर मैं बात करूँ तो आपका जो UTI होता है, कहने का मतलब जो आपका यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, वहाँ पे इसका ज़्यादातर यूज किया जाता है। जैसे अगर पेशाब में जलन हो रही है या फिर आपके यूरेथ्रा में इन्फ्लामेशन हो गया है, कहने का मतलब आपके जो मूत्राशय है उसमें अगर, या पेशाब की थैली बोलते हैं, उसमें अगर सूजन हो गया है, तब भी हम लोग उसके लिए डॉक्सीसाइक्लिन यूज़ करते हैं। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ों में यूज किया जाता है। जैसे एक्ने वुलगैरिस होता है, खास करके 18 साल की एज के बाद होता है बच्चे में, तो एक्ने में ये यूज किया जाता है, एक्ने वुलगैरिस में यूज किया जाता है। एक्चुअली इसके साथ में हम दूसरे क्रीम का भी यूज़ करते हैं तो उसका पूरा ट्रीटमेंट होता है, बट उसमें डॉक्सीसाइक्लिन दिया जाता है। इसी तरह से आपका जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, कहने का मतलब जैसे श्वास नली से संबंधित, आपकी नाक से संबंधित, साइनस से संबंधित, ऐसे जो इन्फेक्शन होता है वहाँ पे भी हम लोग डॉक्सीसाइक्लिन का यूज करते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो एक बीमारी जो बैक्टीरियल न्यूमोनिया होती है, वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। बैक्टीरियल न्यूमोनिया में जैसे आपको खांसी आ सकती है, आपके चेस्ट में पेन हो सकता है, फीवर हल्का फुल्का हो सकता है, सांस लेने में प्रॉब्लम आ सकती है, तो वहाँ पे उसको ट्रीट करने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन यूज दिया जाता है, ठीक है। इसी तरह से एक बीमारी होती है साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस में क्या होता है कि आपके जो साइनस होते हैं वहाँ पे नाक के पास में, सर के पास में, वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से आपको लगातार जुकाम रहता है, आपके सर में दर्द होता है, ठीक है। तो इन सब में हम लोग ट्रीट करने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन यूज करते हैं। इसी तरह से ब्रोंकाइटिस में, जैसे आपकी जो ब्रोंकाइज हैं, श्वसनिकाएं हैं, उसमें भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है, फिर सांस लेने में दिक्कत होती है, तो यहाँ भी हम लोग डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं। ये सभी एक तरह से आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। अगला, हम लोग आइज इन्फेक्शन में भी, अगर आइज में आपको इचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, तब भी डॉक्सीसाइक्लिन दिया जाता है। इसी तरह से बहुत सारे जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं, जैसे गोनोरिया हो गया, जिसमें फीमेल में वेजाइना में जो है वाइट डिस्चार्ज आते हैं, तो वहाँ पे भी इसका यूज किया जाता है। ऐसे सिफेलिस में यूज किया जाता है। सिफेलिस जो होता है वो एक्चुअली मेल फीमेल दोनों में होता है। इसका लक्षण ये है कि आपको ऐसे जननांगों पे थोड़े से मस्से दिखाई पड़ सकते हैं, जिसको हम लोग अल्सर बोलते हैं, और ये अल्सर धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाते हैं। तो इसके प्राइमरी स्टेज में अगर आपको जननांगों पर जो है आपको अल्सर्स दिखाई पड़ रहे हैं, तो डॉक्सीसाइक्लिन का यूज डॉक्टर करेगा तो ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यूज हम लोग करते हैं इसको।
इसी तरह से मान लीजिए अगर किसी को एक बीमारी आती होती है एलिफेंटियासिस, जिसमें आपकी जो स्किन है वो बहुत मोटी हो जाती है और लिम्स में स्वेलिंग आ जाती है, हाथ या पैर में स्वेलिंग आ जाती है, और तो इस बीमारी को भी ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। दोस्तों मलेरिया में भी इसका यूज किया जाता है। मलेरिया में हम लोग जब कोई भी आदमी जो है क्लोरोक्विन लेते लेते वो ठीक नहीं होता, उसके प्रति रेजिस्टेंस हो जाता है या क्लोरोक्विन के प्रति वो थोड़ा सा एलर्जिक होता है, तब हम लोग इसका यूज़ करते हैं मलेरिया में। और मलेरिया में जब हम इसको यूज करते हैं तो प्रीमाक्विन के साथ में यूज करते हैं, एक्चुअली प्रीमाक्विन जो है उसके साथ में यूज करते हैं, तो ये डॉक्सीसाइक्लिन जो थोड़ा ज़्यादा एक्शन अच्छा देता है, ठीक है। और ये जो मेडिसिन है, जैसे कभी कई बार क्या होता है आपको कोई कीड़ा मकोड़ा काट लेता है तो उस टाइम पे आपको फीवर हो जाता है, तब भी डॉक्सीसाइक्लिन यूज़ किया जाता है। एक्चुअली ये जो मैंने आपको बताया डिटेल में इसका यूजेस होता है, इस तरह से छोटे मोटे जो इन्फेक्शन होते हैं, इन्फ्लामेशन होते हैं, वहाँ पर डॉक्सीसाइक्लिन यूज किया जाता है। तो खास करके जो आपका मतलब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, आपका किडनी से संबंधित है, वहाँ पे एक्ने में और कुछ फीवर में, मलेरिया में, और आपका जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है, कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में भी इसका यूज किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। अभी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा बहुत इसकी डोज़ के बारे में। तो दोस्तों अगर डोज़ देखा जाए तो एक्चुअली डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg दी जाती है और सुबह शाम दी जाती है करीब 10 दिन तक। मतलब इसकी जो डोज़ होती है, एक नॉर्मल डोज़ की बात कर रहे हैं, तो देखो अब वो आपके बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना दिया जाएगा, बट नॉर्मल डोज जो होती है नॉर्मली फीवर में या इन्फेक्शन में आपको पर डे 200 mg दी जाती है, मतलब सुबह शाम मिला के, ठीक है, मतलब 100 mg सुबह 100 mg शाम, खाना खाने के बाद आपको लेना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि कुछ डॉक्टर्स हैं जो कि आपको पहले दिन 200 mg देते हैं फिर आपको 100 mg देते हैं, ठीक है। तो करीब ये 7 से 10 दिन तक इसका कोर्स चलता है, उसके बाद अगर बीमारी नहीं सही होती है तो डॉक्टर्स डिपेंड करता है कि डॉक्टर्स आपकी डोज बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा। अब अगर थोड़ा सा हम इंट्रैक्शंस देख लेते हैं, या उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। तो एक्चुअली जो ये मेडिसिन है इसको हम लोग प्रेगनेंसी में नहीं यूज करते हैं, और जो है ब्रेस्ट फीडिंग में ज़्यादातर जो है क्या है कि डॉक्टर की सलाह से ही करें। तो कहने का मतलब जैसे प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग है, तो इन दोनों चीज़ों में आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि जब भी आप कोई मेडिसिन लें तो खुद ना लें, आप डॉक्टर की सलाह से लें। तो ज़्यादातर अगर मैं कहूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग में तब भी ये मेडिसिन दी जाती है, बट प्रेगनेंसी में ये मेडिसिन बिल्कुल नहीं दी जाती है, क्योंकि ये बच्चे में उनका जो ग्रोथ होती है छोटे बच्चे की, फीटस की जिसको भ्रूण बोलते हैं, उसकी ग्रोथ को रोक देता है, मतलब टीथ का डिजनरेशन कर देगा और जो बोन्स हैं उनका डिजनरेशन कर देगा, ठीक है। इसलिए ये मेडिसिन प्रेगनेंसी में कभी भी नहीं दी जाती हैं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें साइड इफेक्ट की, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर मेडिसिन के बारे में, तो साइड इफेक्ट की बात करें तो क्योंकि एक प्रकार का ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, और आपको मैं बताऊं कि ऐसे सारे जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उसमें कुछ आपको साइड इफेक्ट ज़रूर देखने को मिलेंगे, जैसे हो गया नाजिया, हो गया वोमिटिंग, हो गया, ये दो चीज़ ज़रूर देखने को मिलेगी, नाजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि डॉक्सीसाइक्लिन जो होता है वो डायरिया काज करता है, तो डायरिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, एबिडोमिनल पेन हो सकता है, ज्वाइंट पेन हो सकता है, और सबसे जो मेन है कि जो टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की मेडिसिंस होती हैं, ये मेडिसिंस जो है जो लेता है उनके अंदर उनका टीथ कलराइजेशन कर देती हैं, कहने का मतलब टीथ जो है उसका कलर गायब हो जाएगा, धीरे धीरे टीथ खराब होने लगता है, दांत खराब होने लगता है, ठीक है। तो ये होते हैं इसके साइड इफेक्ट। अगर साइड इफेक्ट आपको दिखाई पड़ता है तो डॉक्टर से मिल लीजिए और अपना इलाज करा लीजिए। अभी हम लोग लास्ट में लोग बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे डॉक्सीसाइक्लिन इंट्रैक्शन दिखाता है, इंट्रैक्शन काज करता है, तो ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन है जिसके साथ इसको नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो डॉक्सीसाइक्लिन जो होती है वो कभी भी आप जो है कैल्शियम सप्लीमेंट के साथ ना लें, और कैल्शियम सप्लीमेंट्स मैंने बोल दिया तो कुछ डेयरी प्रोडक्ट भी आ गए, तो डेयरी प्रोडक्ट के साथ में भी ना लें। आयरन सप्लीमेंट ले रहे हैं तब भी ना लें, एंटासिड ले रहे हैं तो थोड़ा सा गैप बना के लें, ठीक है, क्योंकि इनसे इंट्रैक्शन दिखाता है। और लग्जेटिव के साथ में, ऐसे लग्जेटिव जिसमें मैग्नीशियम है उसके साथ ना लें, क्योंकि दोनों डायरिया काज करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। और जो है कोई भी एंजाइम रिड्यूसर जैसे फिनोबार्बिटोन होता है, तो ये क्या करते हैं इनके साथ ना लें, इससे जो एक्शन होगा वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और, इसको कंट्रासेप्टिव जो अगर आप ले रहे हैं तब डॉक्सीसाइक्लिन ना लें, या फिर डॉक्सीसाइक्लिन ले रहे हैं तो कंट्रासेप्टिव ना लें, क्योंकि कंट्रासेप्टिव का एक्शन डॉक्सीसाइक्लिन कम कर देता है, तो अनवांटेड प्रेगनेंसी हो सकती है, इस वजह से कंट्रासेप्टिव के साथ में भी आप डॉक्सीसाइक्लिन ना लें। तो दोस्तों ये था डॉक्सीसाइक्लिन के बारे में थोड़ी बहुत बातें जिसके बारे में मैंने आपको बताया है।
अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया तो, अगर कर दिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।